शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गला घोट के झूठ ने साजिश रच दी है, गुनहगार जिंदा है, अब जुर्म ने भी हद कर दी है। जब कोई नहीं महफूज हो, इंसाफ से महरूम हो, तब दिल को कहीं ना कहीं लगता है। मंजर है, हर हाथ में खंजर है, ओ नजरें सभी कातिल है, अपराध का समंदर है। कोर्ट, अदालत, न्यायालय, चाहे जिस भाषा में नाम लें, इसका जिक्र करते ही जहन में एक सिरहंसी दौड़ जाती है। वैसे तो समाज में इसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई यहाँ सबको न्याय मिल पाता है? सोचा था जो काम अधूरे रह गए वो रिटायर होने से पहले पूरे कर लूंगा, लेकिन इंसान की जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अदालत और कानून की मर्यादा को बरकरार रखिएगा। धन्यवाद।
हूँ बात में। अरे तुम्हारा हाथ पे दिखाओ मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। करते रहो भाई। पापा, पापा जी, पापा ये देखिए मेहंदी कैसी है, अच्छी है ना? अच्छी है, अच्छी है। भाभी हाँ, इस पे ना हम नाम लिखते हैं, ये वाले हाथ में लिख दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पापा वहाँ चले? हाँ चलो ना। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? बेटी की शादी है बस। ये देखिए। नहीं कोई बात नहीं, और भी है। वाह, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, आखिरी पीस बची हुई है, मानो आप ही के लिए बची हुई है। एकदम डिजाइनर पीस है मैडम। पापा जी देखिए ना पूजा कैसी लग रही है। अरे क्या, तुम भी फोन पे बताओ ना कैसी लग रही है। छोड़ो ना पापा, अभी हमारी टेंशन नहीं रही। हा? किसी और की हो चुकी है। क्या सही बात है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। और नहीं तो क्या, ये सारे पिक्चर्स तो व्हाट्सएप पे सेंड कर ही रही है ना। और एक्चुअल ओपिनियन भी उधर से ही आ रही है। इट्स ट्रू। आप चुप रहो। ओके ओके, बहस करना बंद करो। तुमको कैसी लग रही है? मुझे अच्छी लगी बहू। मुझे भी अच्छी लगी। इट्स नाइस। कुछ और दिखाइए आप इनको। हाँ जी बिल्कुल, दिखाता हूँ मैं अभी आता हूँ। जी पापा जी, ये देखिए, ये भी नया लेटेस्ट डिजाइन है। देखिए देखिए इसका पल्लू और दिखाओ ना। मनसुख जी साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? सब ठीक है? ठीक है जी। बिटिया कैसी है? जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मनसुख, ये जो कांटे वाले तार हैं, अगर हमारे घर के चारों तरफ लगवाने हो तो कितने बंडल लगेंगे? 3 बंडल में हो जाएगा साहब। 3 में? जी। तो काम करो, 5 बंडल लेकर आ जाओ और घर के चारों तरफ लगवा देना। कम नहीं पड़ने चाहिए ना? जी साहब। ठीक है जी, चलता हूँ। साहब कुछ चाय पानी मंगवाए? चाय की जरूरत नहीं है, अगली बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा। सर कम से कम अब तो आराम कीजिए, घर पे कितना कष्ट देंगे शरीर को। अरे शर्मा, शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही ये साथ देगा। और एक बात और, नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। सर आपके निर्देशानुसार पूरी व्यवस्था कर दी है। सब कुछ तुम्ही को संभालना होगा। पूजा बेटे की शादी में प्रचंड धमाल होगा। चलता हूँ सर, टाइम हो गया ड्यूटी का। वेट लूज कर रहे हो वैसे। थैंक यू सर, शाम को मिलता हूँ। Thank you.
लॉटरी। रुक रुक कहाँ जा? जानते हैं मुझे। अरे आने दो आने दो। सर सर कल रात से मॉम डैड घर नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आप ढूंढिए उन्हें सर प्लीज। अरे कल रात ही मैं उनसे मिला था, त्यागी जी की बिटिया की शादी थी ना, तो वहाँ पे थे वो। अरे सर वो गए थे किसी पूजा वूजा की शादी में, लेकिन उसके बाद से घर नहीं आए ना। तो कहीं रुक गए होंगे? नहीं नहीं सर, वो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं, मुझे पता होता है ना। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं चलता हूँ। जल्द जल्द जल्दी उठिए, जल्दी चल चलिए। क्या हुआ? चल चल रहा हूँ ना बेटा। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। सर नमस्ते अंकल, ये मुकुल हैं सर, डॉक्टर साहब के साहबजादे, आपसे मिलना चाहते थे। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, शादी पे नहीं आया। बोलो बेटा। अंकल वो मॉम डैड अंकल कल रात से घर नहीं आए अंकल, और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो थोड़ा परेशान था अंकल। कमाल है, कल शादी में तो यहीं थे हमारे साथ। जी लेकिन उसके बाद से अंकल घर नहीं पहुँचे, मैंने नेबर्स में पूछा, रिलेटिव्स में फ़ोन किया था, और हॉस्पिटल भी कॉल लगाया था, कोई क्लू नहीं मिला अंकल। How can I help? सर हम सोच रहे थे कि शादी का फुटेज अगर हम देख लेते हाँ, तो हाँ, शायद कुछ क्लू मिल जाता। ऑफ कोर्स वो फुटेज जो भी वीडियोग्राफर ने लिया है, मैं उसको फोन कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देगा। जी 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 सब ठीक होगा, डोंट वरी। जी 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 सर, थैंक यू अंकल। थोड़ा आगे बढ़ा के अपना, हाँ हाँ होल्ड कर थोड़ा आगे कर, चल आगे। नहीं मुझे बताए ना हो क्या रहा है। बार बार आप मुझे बताए ना हो क्या रहा है बेटा। आप जय माला तक तो दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गए। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो क्या देख रहे हैं सर, हम 50,000 बताइए ना बेटा। एक तो तमीज से बात करना सीख बड़ों से, ठीक है? जगर जा, जैसे पता चलेगा हम बता देंगे। चल लिसन, हाँ तमीज वमीज ना, आई डोंट केयर, आई वांट माय पेरेंट्स बैक। अगर मेरे मॉम डैड नहीं मिले ना, यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट आई विल डू। घर जा। हाँ, तो हाँ, देखना चल बाहर निकल। एक मिनट होल्ड कर। नहीं बड़ा आगे। और आगे ले जा। एक मिनट। आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आपने हमें ऐसे क्यों बांधा है? सब चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं आप? जज साहब मैं आपको बड़ा भाई मानती हूँ, और आपने हम दोनों को ऐसे। जज साहब बोलिए ना कुछ, क्या है ये सब? बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जस्सा बोलिए ना कुछ तो। जस्सा क्वाइट। सिक्स दिसंबर 2013, मुकुल नर्सिंग होम, जनरल वार्ड, बेड नंबर 3, रिमेंबर? कोई है? डॉक्टर अब्दुल, क्या हुआ बेटा?
Come on, quick. चलिए मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ सर, मुझे कुछ नहीं होने दूंगी। क्विकली जरा संभाल। एक मिनट, एक मिनट माजी माजी, प्लीज प्लीज जाने दीजिए, आप नहीं जा सकते प्लीज। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। आंटिया ठीक हो? डॉक्टर साहब अभी तक तो ठीक था मेरा बच्चा, क्या हो गया उसे? आप डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अचानक उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, एक दो दिन वेंटिलेटर पे रखेंगे, ठीक हो जाएगा। अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए, ही'ल बी फाइन, डोंट वरी। वो ठीक तो हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट, प्लीज संभालिए अपने आप को। आप ऐसा कीजिए, रिसेप्शन में जाके आईसीयू का डिपॉजिट जमा करवा दीजिए। कितना डॉक्टर साहब? वो बताएंगे आपको, प्लीज डोंट वरी, जाइए। क्या देख रहे तुम? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे ही चलते हैं, है ना? पैसा खैरात में नहीं आता, ज्यादा सोच मत, अपने काम पे ध्यान दे, समझा? या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स झूठे हैं। दरअसल हमें पता चला है कि कई दिनों से इस लड़के को मॉर्फिन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और वैसे भी ये दोनों पहले भी बहुत बड़े कांड कर चुके हैं, जिसमें एक भ्रूण हत्या भी शामिल है। जोशी साहब, सबसे पहले तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ना छोड़ दीजिए। और माय लॉर्ड, रही बात इन मेडिकल रिपोर्ट्स की, तो वो यहां थोड़ी बने, पुलिस ने बनवाए हैं। माय लॉर्ड, उस बॉम्ब ब्लास्ट में उस लड़के की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब मरा तब मरा। वो तो इन डॉक्टर्स की काबिलियत की वजह से इतने दिनों तक जिंदा रहा वो। और जोशी साहब, आप भी जानते हैं कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में और भी लोग मरे हैं, तो क्या सबकी मौत का इल्जाम आप मेरे क्लाइंट पर लगा देंगे? बात करते हैं। हाँ सही कह रहे हैं आप राय साहब, आजकल तो पेशेंट का जिंदा रहना या मरना सब डॉक्टर्स के हाथ में है ना। हाँ, और हमारे हाथ में ये साबित अच्छी तरह करना जानते है कि सच्चाई क्या है। यू नो बेटर देन दैट, यू नो बेटर देन दैट मिस्टर जोशी। सॉरी जज साहब, प्लीज ये अदालत है, कृपया मर्यादित रहिए जी। और आप भी मिस्टर राय। यस माय लॉर्ड। अगर आपके पास कोई गवाह है तो लेकर आइए। जज साहब, मैं उस अस्पताल का वार्ड बॉय मुन्ना को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ओके प्लीज। नमस्ते सर। अदालत को ये बताओ कि उस दिन डॉक्टर चोपड़ा ने तुमसे क्या कहा था आईसीयू के सामने? जी कुछ खास नहीं सर, बस उस अब्दुल का ख्याल रखने बोला था। झूठ बोल रहा है ये जज साहब, अपना बयान बदल रहा है। इसने मुझसे साफ साफ कहा था कि डॉक्टरों ने पैसों की लालच में उस लड़के को आईसीयू में भर्ती किया, वो भी जबरदस्ती। अब ये मुखर रहा है? मुखर रहा है? बात करते हैं जोशी साहब, सच बोल रहा है वो। माय लॉर्ड, डॉक्टर साहब के पास पैसों की कमी नहीं है कि सिर्फ 2-4 हजार रुपयों के लिए ये घटिया हरकत करें। 2 हजार नहीं, 2 लाख। हाँ तो भाई 2 लाख रुपयों के लिए, पर इतना रुपया तो ये हर महीने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह पे खर्च कर देते हैं। हाँ तो ये रुपये आते कहाँ से हैं? ऐसे ही काम करते करते। माय लॉर्ड, अब मेरे काबिल दोस्त के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरे क्लाइंट पर। कुछ और हो तो बताएं। जैसा मैं
मैं परवीन बीवी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ओके माफ कीजिएगा बीवी जी, लेकिन आप अदालत को बता सकते हैं कि आपके लड़के के साथ क्या हुआ था? उस विस्फोट के बाद मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, यही डॉक्टर साहब ने तो इलाज किया था। इन्होंने कहा वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उस दिन रोज की तरह डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखने आए और उनसे सुई भी लगाई। सुई लगाते ही उसकी तबीयत अचानक अचानक बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई वो आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में भर्ती करने के बाद जब उसे बाहर निकाला तो मेरा बच्चा नहीं रहा, वो मर गया था। जज साहब मेरा बच्चा नहीं रहा, वो मर गया। That's all, that's all. My lord, क्या मैं परवीन बीबी से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? इजाजत है? पूछिए। परवीन बीबी, जब आपके बेटे की तबीयत बिगड़ी तो क्या आप उसके साथ थी? हाँ, मैं वहीं थी, उसके पास ही थी, वो तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके बाद? उसके बाद इन दोनों डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। माय लॉर्ड, सुना आपने? जब एक मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर का जो फर्ज बनता है, इन दोनों डॉक्टरों ने बस वही निभाया। एक डॉक्टर मरीज का सिर्फ इलाज कर सकता है, उसकी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकता। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सारे गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर यह साबित होता है कि मरीज को आईसीयू में भर्ती करना जरूरी था और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई। गवाहों के बयान के आधार पर डॉक्टर अजय चोपड़ा और डॉक्टर रीना चोपड़ा ने पूरी कोशिश की किसी तरह से मरीज को बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। तो पूरे मामले में डॉक्टर अजय चोपड़ा और डॉक्टर रीना चोपड़ा पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसलिए यह अदालत डॉक्टर अजय चोपड़ा और डॉक्टर रीना चोपड़ा को बाइज्जत बरी करती है। दिस कोर्ट इज अर्जेंट। आप बिक गए जज साहब। बिक गया मतलब? बिक गए आप। सच्चाई तो मुझे तब भी पता थी, लेकिन कानून के शिकंजों ने मुझे जकड़ा हुआ था। जिस कानून के दायरे में रहकर मैंने गलत फैसले लिए थे, आज उन्हीं फैसलों को सही करने के लिए मैं ये दायरे तोड़ रहा हूं। जसा, जसा प्लीज, जसा मेरी बात सुनिए। कमाल है, जिन डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं धीरे धीरे उन्हीं से डर लगने लगता है। क्या धंधा बना रखा है आप लोगों ने? दवाइयां वहां से लो जहां से आप लोग रेकमेंड करते हैं, उन कंपनीज की लो जिन कंपनी से आपको फायदा होता है। जब तक नए पेशेंट ना मिले तब तक पुरानों को घसीटते रहो। आप हॉस्पिटल जाते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि किडनी की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। नहीं, isn't it right डॉक्टर? उस दिन आप लोगों के पास दो रास्ते थे। आप सच्चाई और ईमानदारी से अपना फर्ज निभा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया। आज भी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने गुनाहों को इस कैमरे के सामने कबूल कर लें, वरना नहीं। यू कैन वेट एंड वॉच।
जसब नहीं रुकिए जसब एक मिनट रुकिए जसब एक मिनट नहीं जसब प्लीज इसे बंद कर दीजिए प्लीज जसब प्लीज इसे बंद कर क्या करना बंद कीजिए ना प्लीज अजय जसब बोलिए प्लीज स्विच ऑफ कीजिए इसे बंद कर दीजिए जसब मैं मर जाऊंगा प्लीज जसब शहर के जाने माने डॉक्टर कपल का पिछले दो दिनों से कोई पता नहीं चल पाया है। आज डीएम ऑफिस के सामने डॉक्टर्स एसोसिएशन ने धरना दिया। आपको क्या पुलिस लगता है? कुछ नहीं बोल रही सर, एक ही वीडियो को 50 बार देख रही है और बस और कुछ नहीं पता बता। सर आपके मम्मी पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कितनी मुस्तैदी दिखाती है, क्योंकि शहर के इतिहास में ये अपने आप में पहली ऐसी घटना है। सर फाइल ये देखो। आप लोगों की लापरवाही की वजह से पूरे पुलिस प्रशासन पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। छानबीन चल रही है सर। तो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्षमा चाहूंगा सर। कहिए शर्मा जी। क्यों ना सर हम डॉक्टर्स के पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करें, खंगालें और जो लोग शादी में आए थे उनसे पूछताछ शुरू करें, शायद कोई सुराग निकला है सर। गुड, शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? सर वो होटलियर है ना पंकज सिंह, मैं उनसे तफ्तीश शुरू करना चाहूंगा सर। गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिंह साहब हैं क्या? नो सर, वो तो कलकत्ता गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, कब तक आएंगे? सर दो दिन के बाद आएंगे वो, परसों रात को ट्रेन है उनकी कलकत्ता से। चलो, थैंक यू। वेलकम सर। हेलो। हाँ, जो भी कोलकाता में है परसों रात की गाड़ी से रांची आएंगे। सुनिए, पूजा के यहाँ भी तो जाना है। मम्मी मैं जा तो रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर तुमसे मिलने आने वाले हैं। आई थिंक तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आई थिंक वी शुड स्टे हियर। इधर दे। पापा जी, तो आप चले जाइए कोलकाता। हाँ पापा। हाँ, ये भी ठीक। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी पूजा बेटी भाई से ज्यादा पापा को देखकर खुश होगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। पापा वेरी फनी। इट इज। तो ठीक है पापा, फिर मैं आपके टिकट्स बुक करा दूं? हाँ बेटा, रात की टिकट करा देना। ओके। अरे बाद में करा देना, नाश्ता कर लो। सर लोकेशन यही लोकेट हो रहा है। इस तरफ देखिए। जाओ उधर देखो, उधर देखो तुम। हाँ सर, देख तो रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। अरे रोशन उस तरफ देखिए, किसी एरिया में होना चाहिए। ए तू इधर आ। सर हाँ हाँ, क्या हुआ सर? सर सर मोबाइल सर, ये एक मिल गया। ये रहा सर, देखो सर। सर गुड गुड, देखो देखो इधर, दूसरा भी यही होगा। हाँ सर, दिख गया दूसरा वाला भी। लो 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 लो। हाँ सर। ए डोंट टच, डोंट टच। सर ये लीजिए। गुड सर, वेरी गुड। देखिए शर्मा जी, दोनों मोबाइल ट्रेस हो गए। चलो डॉक्टर्स के मोबाइल मिल चुकी है जज साहब। अच्छी बात है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करने आया था। ठीक है सर। चलें सर, देर हो रही है सर, शाम हो जाएगी तो। चलिए। पापा आपकी टिकट्स कंफर्म हो गई है, आप आज रात निकल रहे हो और कल सुबह पहुंच जाओगे, और पूजा को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। थैंक यू। और पापा ये लाइसेंस अग्रीमेंट्स और एफिडेविट्स की कॉपी हैं, सब हो गया। अरे वाह, दिस लुक्स इंप्रेसिव। चलो फिर माता रानी का नाम लेकर काम शुरू कर दो। बिल्कुल पापा। ओके okay? जी। अच्छा माँ को बोल दो मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है। हाँ मम्मी, पापा का टिकट हो गया है, वो आज शाम को जा रहे हैं। वो देखो पापा जी आ गए। दीजिए बाबूजी, हमको दीजिए। प्रणाम पापा जी। कैसे हो बेटा? मैं
जी आप कैसे? सब ठीक है, सब अच्छे हैं। और इन सब की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। नमस्कार कर्नल साहब। अरे जज साहब, वेलकम, वेलकम टू कलकत्ता। सो नाइस टू सी यू। कैसा रहा सफर? वेरी नाइस, थैंक यू जी। तो आप मुंह हाथ धो लीजिए बेटे, इन्हें कमरा दिखा दो और उसके बाद बैठ के इकट्ठे नाश्ता करते हैं। जी थैंक यू। नाइस टू सी यू सर। जी आइए पापा। हाँ सिंह साहब बोलिए। अरे शर्मा जी, कल हमारे होटल में कोई इंक्वायरी करने गया था, पता लगाइए तो जरा कौन गया था। अरे क्या सिंह साहब, हम ही गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप गए थे। कोई खास बात, मतलब कोई काम था हमसे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो दो डॉक्टर का वो गए थे ना, उसी के सिलसिले में रूटीन इंक्वायरी थी। क्या डॉक्टर साहब गायब हो गए? वो त्यागी साहब की बेटी की शादी में आप भी गए थे ना? हाँ शादी में तो गए थे हम। कोई बात नहीं शर्मा जी, मैं तो अभी कलकत्ते में हूँ, परसों आ रहा हूँ, मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक। बेटे आज रात को हम दोनों सीनियर सिटीजन का खाना मत बनाना, हाँ हम दोनों बाहर खा पी के आएंगे। अच्छा कर्नल साहब, बट कोलकाता चेंज क्वाइट अ बिट, इट्स फॉर द बेटर, ऑफ कोर्स फॉर द बेटर, बट द नाइट लाइफ। काफी चीजों का शौक रखते हैं कर्नल साहब। जज साहब, शौक क्या चीज होती है? जिंदगी के अलग अलग रंग हैं। भाई रंगीले रतन, पुलिस स्टेशन आने का टेम नहीं और यहाँ बैठ के छोड़ियों के ठुमके देख रहे हैं। कौन है ये? लो अभी मुन्ने ना पहचान रहा,
मैं थारी माँ, राठी माँ, क्राइम ब्रांच। चल बक्की का ज्ञान हवालात में। हाँ चल चल उठ बे, हट चल। जस साहब आप यहाँ ट्रेन में? हाँ मैं पूजा के ससुराल गया था, वहीं से लौट रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जस साहब मैं कलकत्ता क्या गया, वहाँ मेरे पीछे क्या कांड हो गया देखिए। हाँ डॉक्टर साहब गायब है, भाभी जी लापता है, वो भी शादी वाली रात से। हाँ मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था, पर अब क्या करें, और ना जाने कितने दुश्मन हूँ। हाँ रायता भी तो बहुत फला के रखा था डॉक्टर साहब ने। खैर छोड़िए, पूजा बिटिया कैसी है? खाना बड़ा मस्त था शादी में, कैटर कहाँ से मंगवाए थे? ऑरेंज जूस पियेंगे? ठीक है पी लेंगे। सिगरेट? ओ सॉरी 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 सॉरी। फ्रेश ऑरेंज जूस। हाँ थैंक यू। जैसा आप मुंबई में एक होटल खोलने का प्लान कर रहा हूँ, आप इनॉग्रेशन में आना है आपको, पक्का है आप आएंगे ना? अब जूस पीकर सेहत बना रहे हैं। अच्छा मैंने भी जिम ज्वाइन किया है, थोड़ा फिट रहने के लिए। ऐसे ही इनॉग्रेशन जो है वो सलमान भाई से कराएंगे। हाँ बाय द वे मैंने नेतरहाट में एक फार्म हाउस ले लिया है। पीजी पीजी स्टेशन आने वाला है। जैसा ये अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। पूजा बेटियाँ कैसी हैं और दामाद साहब के क्या हालचाल हैं? सब ठीक चल रहा है, तुम सुनाओ तुम्हारे क्या हाल है? अरे वो डॉक्टर किडनैपिंग वाला केस है ना, वो पेचीदा होता जा रहा है। एसपी साहब का दबाव बढ़ रहा है और मीडिया वाले ना बवाल मचा के रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैं समझ सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम ऐसी छानबीन करते रहो, कुछ ना कुछ तो हाथ में लग ही जाएगा। जूस पियोगे? अरे आओ ना आइए, दो ऑरेंज जूस। ये सब कब से? आप योगा किया करें, इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। त्यागी 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 तो बॉस पछताएगा, तू नहीं जानता मुझे, खोल दे मुझे, मैं बोल रहा हूं। जानता हूं इसीलिए तो लेकर आया हूं।
खोल दे मुझे। त्यागी साहब, हमारा कसूर क्या है ये तो बता दीजिए। क्यों ऐसे बांध के रखा है हमें? देखिए हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। वो पूजा बिटिया की शादी में याद है, वो कितने प्यार से हम लोग डिनर का सेट लाए थे। बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। आई बहुत दर्द हो रहा है। अरे खोल दे मुझे, बहरा हो गया क्या? तो जितनी जोर से चिल्लाना चाहता है चिल्ला ले, यहां मेरे अलावा दूर दूर तक तेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तुझे वो केस याद है, द केस ऑफ हनीमून कपल, शगुस्ता एंड शमीम? हेलो, वी हैव अ बुकिंग। ओके वन सेकेंड। जज साहब, इस आदमी ने सब कांड करवाया है। मैं तो इन्हें अपना दोस्त समझता था। इनके ही कहने पर मैं अपनी बेटी और दामाद का हनीमून स्वीट उन्हीं के होटल में बुक किया था। मेरे को क्या मालूम था कि ये जज साहब ये सरासर गलत इल्जाम लगा रहा है। इसके बेटी और दामाद हमारे यहाँ आए नहीं थे, पता नहीं कहाँ रुके थे और ये सब कांड किया। आप चाहे तो हमारे होटल रिसेप्शन का एंट्री रजिस्टर चेक कर सकते हैं आप। जज साहब हमारे होटल की एक प्रतिष्ठा है। और एक मिनट, कौन सा रूम नंबर बताया? 205 यानी हनीमून स्वीट। जज साहब हमारे होटल के सेकेंड फ्लोर के सारे कमरे, मेरा मतलब है जो हनीमून स्वीट वाले कमरे, वो पिछले कई महीनों से अंडर रिनोवेशन पे हैं। ये इस आदमी की साजिश है, ये यहाँ अपने होटल की चेन डालना चाहता है, इसीलिए हमारी होटल की गरिमा को गिराने के लिए इसने ये चाल चली है। नहीं साहब, ये गलत है। नहीं, मैं इन दोनों को नहीं जानती। ओके सर, जो रूम हमें बताया गया था उस रूम पर हम लोग गए थे सर, लेकिन सर वो रूम काफी दिनों से बंद पड़ा नजर आया। ये रही उसकी कुछ फोटोग्राफ्स। आज की सुनवाई यहीं मुलतवी की जाती है, अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को होगी। तब तक के लिए अदालत पंकज सिंह, शमीम और शगुफ्ता चौधरी को पुलिस प्रोटेक्शन में कमेंट गेस्ट हाउस में सरकारी हिफाजत के साथ रखने का हुक्म देती है। पैसों के लिए तो ऐसी लड़कियां कुछ भी कर लेती हैं। तो अच्छे घर की है फिर भी ऐसे काम। अरे ऐसा कांड करने वाली अच्छी दिखती है। हाँ हाँ, यही लड़की है ना वो एमएमएस वाली। ले खाना खा ले। अरे लेना खाना खा। ए नौटंकी मत कर, बैठ यहाँ चुपचाप। कांड करते वक्त बहुत मजे ले रही थी, मर, खाना नहीं खाएगी।
सर आप खाली चाय पिए जा रहे हैं सर। सर नाश्ता मंगवाऊं क्या थोड़ा? हाँ यार भूख लगी, कोई बात नहीं तू जा। आपकी भी ना सर। ये सब तेरा तेरा गेम प्लान है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखिए सब। आप शांत रहिए, मैं तुझे छोड़ूंगा, गला घोट दूंगा। शांत रहिए, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। इस अदालत को शगुफ्ता की अचानक मौत का खेद है। पारिवारिक भावनाओं का लिहाज रखते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत शगुफ्ता और शमीम पे लगे असामाजिक कुकृत्यों का आरोप रद्द करती है। पंकज सिंह पर भी जुर्म साबित नहीं होता है, इसलिए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाता है। जज साहब, बेटियां घर की इज्जत होती है और दौलत भी। आपने आपने मेरे से ये दोनों छीन लिया, याद रखिए आपकी भी एक बेटी है, याद रखिए। आप अदालत में क्या मुझे आपकी भी एक बेटी है, याद रखिए जज साहब, याद रखिए आपकी भी एक बेटी है जज साहब, याद रखिए। तू मेरा दोस्त था, इसलिए मैं तेरी नस नस से वाकिफ था। यह बात तो मैं उस दिन भी जानता था कि सब तेरा किया धरा है, लेकिन उस दिन मैं कानून के हाथों मजबूर था और उसी मजबूरी ने उस बच्चे की जान ले ली। लेकिन साहब, आप ही ने तो उस दिन हमें जमानत दी थी, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। नहीं था कोई सबूत, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो मैं आपको वो हजारीबाग वाला जो फार्म हाउस है ना, है याद है आपको, है वो गिफ्ट में दे देंगे। तू मुझे गिफ्ट देना चाहता है ना? हाँ, ले लीजिए, ले 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 ले। तो अपना बयान मुझे दे दे या फिर अपनी जान दे दे, वरना ये मौत, नासूर, तकलीफ, दुख दर्द, ये गिफ्ट तो तूने लोगों को बहुत दिए हैं। ये यहाँ नीचे नीचे नीचे, अभी आग तेरी सीट को गर्म करेगी, ऐसे जैसे दवा गर्म होता है। तुझे तेरी आंखों के सामने तेरी मौत दिखाई देगी, और जैसे वो शगुफ्ता की रूह उस रात किस तरह तड़पी होगी, ये तुझे आज महसूस होगा। छोड़ दे त्यागी, त्यागी छोड़ दे मुझे, त्यागी छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, छोड़ दे मुझे, त्यागी छोड़ दे मुझे, त्यागी त्यागी छोड़ दे मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, त्यागी त्यागी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ खोल दे मुझे। डॉक्टर कपल ऑलरेडी लापता है, और अब पंकज सिंह भी, और अभी तक एक भी सुराग आप लोगों के हाथ नहीं लगा। आप मुझे बताइए कि अभी तक आपने क्या किया डॉक्टर को तलाश करने में? सर, डॉक्टर सपारण केस पे काम कर ही रहे थे कि पंकज सिंह गायब हो गया सर, तो हम उसमें लग गए सर। लेकिन पूछताछ चल रही है सर, शादी में जितने लोग आए थे और अस्पताल के जो स्टाफ हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं सर। अरे भैया शर्मा जी, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं, सोल्यूशन चाहिए। आपको तो पता है कि अगले महीने इलेक्शन होने वाला है। जी सर। और जितने भी MPs हैं उनका प्रेशर हमारे ऊपर है ना? जी। आप ऐसा कीजिए कि आप वो पंकज सिंह और डॉक्टर केस की डिटेल्स दे दीजिए। लेकिन शर्मा जी, प्लीज वो... प्लीज। खैर छोड़िए, क्राइम ब्रांच एक स्पेशल ऑफिसर यहाँ आ रही है। लेडीज है सर।
अब आप जो हैं उनके अंडर में काम करेंगे। सर मैं ठीक है सर करूंगा। हाँ और आप? जी सर। सीओ साहब? जी सर। पलामू निकल जाइए। हैं? आप जैसे होनहार ऑफिसर की वहां ज्यादा जरूरत है। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे छोटे 6 नंबर पे दे क्या फटाफट। अरे ओ भाई जी, भाई जी यहाँ शराब पीना मना है। वो छोटे उधर साफ कर, उधर और ऑर्डर ले। भाई जी मैंने आपको पहले ही कहा था ना यहाँ शराब पीना मना है। शराब पीना मना? हाँ। तो ये खाना भी मना है क्या? ये ले। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? हट। बुला जिसको बुला। पुलिस को बुलाएगा? बुला पुलिस को। कहाँ छुप रहा है बे लड़की के पीछे? हाँ साहब जी, इस शहर का एमपी गिरिराज रावत बात कर रहा हूँ। ये क्या हंगामा मचा रखा है भाई? भाई ना सर जी, बहन। मन ने ना पता था लंगूर आपके टीम के मेंबर है। पप्पा कसम। तू कौन? ये तू तड़ाक ना शोभा ना देता सर जी। मैं डम्बुला लीजिए या प्यार से राठी। लक्ष्मी राठी, क्राइम ब्रांच। आइए आइए भाई, स्वागत है आपका हमारे इस शहर में। इन सालों की जम के धुलाई कीजिए। हमारे नाम का फायदा उठाते हैं, हंगामा मचाते हैं, बदनामी हमारी होती है। अरे कोई ना सर जी, आप टेंशन ना लो, अब ये ऐसा कुछ ना करेंगे। और करेंगे तो सीधा पोस्टमार्टम। चलिए सर जी, जल्द मिलती हूँ। राम राम। जय राम जी। यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी। शर्मा मैम, सत्यनारायण शर्मा। चचा बुलाओ तन्ने। बुला लीजिए मैम, उम्र भी कुछ ऐसी है। तो चचा एक काम करो, सारा माल मिले दला तो फटाफट। जी। अब तक की जो इंक्वायरी हुई है ना उसका सारा कागज पत्तल लपेट के ले आओ यहाँ पर। जी। जरा इतिहास की जानकारी तो ले लूँ पहले। अभी ला मैम। एफएम चल रहा क्या? जी। अरे उठा लो। जय हिंद। लीजिए मैम। थैंक यू। चचा वो डॉक्टर मियाबीबी और रंगबाज का फोन डिटेल निकलवाओ जरा। रंगबाज मैम? अरे पंकज सिंह होटल वाला, ब्लू फिल्म उसी के होटल में बनी थी ना, न्यूज में तो यही सुना था मन्ने। ओ बैन का टक्का जगला निकला, छूट भी गया। निकलवाओ सारा डिटेल उसका। जी मैम अभी निकलवाता हूँ। Thank you.
परवीन पीबी, लक्ष्मी राठी, क्राइम ब्रांच। आपको ऐसा क्यों लगा कि अस्पताल वालों ने आपके बेटे को मारा है? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था। अब्दुल, ये अफजल बोलो। अफजल, समझाओ अपने बेटे को, चुप रहे नहीं तो वो भी जाएगा, तुम भी जाओ, समझे? तुम ध्यान से देखो, यही है अफजल। जैसा ये झूठ बोल रहे, इस वक्त कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो? ये डॉक्टर साहब ने बोला है। आप ऐसा कीजिए, रिसेप्शन में जाके आईसीयू का डिपॉजिट जमा करवा दीजिए। अब्दुल, जो भी हो सकता है वो हम करेंगे, और कुछ आगे होगा तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। मुझे कटवा लिया आपने? वहां से आपके लिए कुछ मंगाओ। अरे आओ आओ राठी, आओ। She is my special officer, Miss लक्ष्मी राठी, क्राइम ब्रांच। इन्हें स्पेशली यहाँ डॉक्टर कपल और पंकज सिंह केस के लिए बुलाया गया है। जी। अरे आपसे बात हुई थी फोन पे। हाँ जी सर जी, वो आप ही के आदमी लोग थे ना जिन्होंने वहाँ पे। एक्सक्यूज मी। जी जी जी, ठीक है। सर जी, मन्ने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले कहीं देखा है? नहीं, वो शायद किसी सरकारी फंक्शन में देखा होगा। हो सकता है। अरे बेटा राहुल, ठीक है मैं देखती हूँ। यस पापा। मैं जरा उनसे पूछ लूँ। आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं सर जी, लेते हैं। मेरा बेटा। अच्छा, आपका बेटा। बहुत अच्छा है सर जी, बहुत अच्छा है जी। रांची को तो जरूरत ही ऐसे है कि। विजय जी, विजय जी। यस मैम। अरे वो मुकुल नर्सिंग होम में वार्ड बॉय मुन्ना। हाँ जी, उठा लाओ उसे। यस मैम। क्या बोल रहे थे? मैम, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हॉस्पिटल खैरात में नहीं चलता है, और मुझे इंजेक्शन देने के लिए बोला था। दे दिया मैडम। इंजेक्शन दे दिया। स्टेटमेंट लो इसका। यस मैम। चल बे, तेरा हिसाब किताब करता हूँ चल के। हाँ भाई सुंदरी, वो छोरा छोरी इसे होटल में रुके थे ना? कौन मैम? अरे वही जिनकी फिल्म बनी थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम, आप किसकी बात कर रही हैं? चचा, ये छोरी बड़ी शातिर से। हाँ लल्ली, तेरी ये लिपस्टिक बड़ी चमचमाती से, पप्पा कसम। चल 205 की चाबी निकाल। 205। Thank you.
काम पे चलते हैं। कहाँ है चाचा? वहां ना। हाँ भाई, स्पाई कैम बेचा करे ना तू? जी मैडम, वो पत्रकार भाई लोग मांगते हैं ना, तो मंगवाना पड़ता है। लेकिन अभी स्टॉक में नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, तो ये बता, ये किस पत्रकार को दिया रे तूने? मैडम, हाँ याद आया, एक वीडियोग्राफर को दिया था। वीडियोग्राफर को दिया रे तूने? हाँ, तू तो बस पत्रकारों को दिया करे ना। हाँ? गलती हो गई मैम। ऐसा चल, गैर कानूनी काम करता है ना। चल, गलती हो गई मैम। चल दिखा किसको दिया था। चल चल। ए, क्या साले? ए, सर, यही है। हाँ भाई, दुकान का मालिक तू ही है ना? जी मैडम। थोड़ी सी छानबीन करनी थी, परमिशन है? परमिशन? अबे, अरे कहाँ जा रहा है? रुक। अरे वाह चाचा, कटिया अक्षय कुमार बन गए तुम तो। हाँ? अरे मैडम, आप भी कोई किरण बेदी से कम थोड़े ना है। इसको पकड़ के रखो, जरा बाल में लेता तो दिखाऊं। इसको धर के रख भाई। जी सर। बहुत जल्दी है, हैं? तू तो पूरा प्यासाराम का फॉलोअर निकला। हाँ देखो, बहनों की वीडियोस रखी हुई अंदर। ले चलो चलो चल चल, वीडियो बनाएगा। हाँ, वीडियो बनाएगा। सर्कस चल रहा है क्या? सर मेरा कोई कसूर नहीं है सर, वो ठाकुर साहब बोले थे ऐसा करने को, 50,000 रुपए देने की बात हुई थी सर। ये ठाकुर साहब कौन? मैडम वो पंकज सिंह मैडम। रंगबाज। हाँ ठीक, आगे बोल। आगे कहा मैडम, वो कहे थे कि काम होने के बाद पूरा पैसा देंगे, पर काम होने के बाद आधा ही पैसा दिया, तो मैंने उस वीडियो की सीडी बना के भेज दी मैडम। हराम को, पैसों के लिए तूने बच्चे की जान ले ली। मैडम, मैम, मैं उसे माफ कर दो। तेरी मां होती तो भी यही करता। नहीं, नहीं। हाँ ठीक, अब ये बता, कहाँ है ठाकुर? कहाँ छुपा रखा है उसे? मैडम मैंने नहीं छुपाया उनको, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं खुद परेशान हूँ जब मैंने वो न्यूज़ देखी कि ठाकुर साहब को किसी ने गायब कर दिया है। चुप, चलो चलो तो। हाँ भाई नगर, एक काम था थारे से, वो शाहीन पैलेस वाला परवेश शेख है ना, उसका मालिक, उसके बारे में जरा पता करके बता दो। पिछले दिन वो कहाँ गया था, किससे मिला था, सारे रिकॉर्ड चेक करके बताना मुझे। हाँ भाई ठीक है, बताना मुझे। हाँ चल, राम राम। ठीक है भाई, ओके। मैडम। हाँ चाचा। थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं लग रही है, बुखार सा प्रतीत हो रहा है, अगर आज थोड़ा आराम मिल जाता। अरे हाँ चाचा, कोई ना, तुम जाओ आराम करो, मैं भी यहाँ से सिद्धि निकल के नाकाबंदी की इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूँ, कुछ बात होगी तो बुला लूंगी तन्ने। वैसे भी आज बहुत भागदौड़ कर ली तुमने। जी। जी।
क्या खाएंगे? थाली 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 नहीं, मूड बड़ा फैंसी है, ग्रूव बड़ा टेंसी है, निक निक चढ़ गई मैनो, कलर तेरा चढ़ गया वे, रात में सर्दी है, दिल ने हद कर दी है, निक निक चढ़ गई मैनो, रंग तेरा चढ़ गया वे, चढ़ गया दर्शन रो इश्क दा, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। धड़कने बढ़ती जावे, आके अब थाम ले मैनू, बाहें आवे, बातें जाहिर मेरी, तेरे ही खातिर मेरी, रातें हैं जन्नत जैसी, चांदी आवे, आईज ब्रश करती है, तुझसे जब लड़ती है, हनिक निक चढ़ गए मैनू, रंग तेरा चढ़ गया वे, सॉरी खाना ठंडा हो रहा है, और नहीं तो क्या ज्यादा चाहिए। सॉरी बेटा, कैसा है खाना? अच्छा है। तुम खाओ। बेबो जल्दी जल्दी खाओ, जब तक खाना ठंडा होता नहीं ना खाता नहीं। अच्छा है। माय गॉड, अब क्या हुआ इसको? क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं जरा देखता हूँ। पापा जी मैं राहुल को फोन करती हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो बाद में करेंगे, अभी रहने दो, मैं देखता हूँ। मम्मी जी आई थिंक मुझे पापा जी के पास बाहर जाना चाहिए। नहीं नहीं बाहर बहुत अंधेरा है और ठंड भी, वो देख रहे हैं ना, और इस वक्त तुम्हारा बाहर उतरना ठीक नहीं है। जी मम्मी। इसे भी अभी खराब होना था। एवरीथिंग इज फाइन ना पापा? यस लेट्स होप सो। भगवान का शुक्र है। ये नाकाबंदी किस लिए? बाइक वाले साइड में लो। ठीक है। बस 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 बस
क्या भाई राठी जी? जय हिंद सर। जय हिंद। हाल चाल? बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है? बस सर थोड़ी सी तलाशी। हमारी भी तलाशी लोगे आप? अब सर ड्यूटी तो ड्यूटी है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, मतलब रांची पुलिस। सर इजाजत है? खोल दे डिक्की। रुक जा। अरे ऊपर से भाई। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। चल भाई डिक्की चेक करो, निकलो निकलो। जैन सर जी। जैन। इतनी रात का कहाँ से आ रहे हैं? वो भी फैमिली के साथ? वो फैमिली को डिनर पे ले गया था। क्या बात सर जी, खुद का रेस्टोरेंट होते हुए भी बाहर डिनर? वो बहू को वहाँ की थाली पसंद है। अच्छा है सर जी, फैमिली टाइम। सर जी रात घड़ी हो गई, आप जाइए प्लीज। थैंक यू। सॉरी सर जी एक सेकेंड, डिक्की की तलाशी ले ली थी तो चुप्पी पूरी हो जाती सर जी। सॉरी सर जी ड्यूटी है, आप जाइए प्लीज। जय हिंद। मंडी में बॉम्ब रखने की जिम्मेदारी तुमने किसको दी थी? अबक कौन है बे? बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका दिमाग था? मुझे क्या पता? मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता। खोल दे मेरे को, मुझे क्यों सजा दे रहा है? जैसे तुम अब्दुल की मां से मिलते हो, अब्दुल अपना बयान बदलता है। किसके कहने पर तुम अब्दुल को चुप कराना चाहते थे? मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। जाने दे मेरे को। कुछ देर तक तुम ये दर्द सह सकते हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा सर फटने लगेगा, तुम्हारी नसें चढ़ने लगेगी और पानी की टपकती हर एक बूंद 1000 वाट का झटका तुम्हें देगी। भाई खोलो। मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ये दर्द ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे तुम्हारी मर्जी। तो मैं दोबारा तुमसे पूछता हूँ, सब्जी मंडी में बॉम्ब लगाने की जिम्मेदारी तुमने किसको दी थी? मैंने कुछ नहीं किया। जब तक तुम्हें नाम याद आएगा, I will start this. Yes. खोलो। मैं बोलूँ ना, खोल मेरे को। एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या पुलिस का? रात को दिलावर भाई मजे लेकर हमारे साथ डांस कर रहे थे, बस थोड़ी देर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं अलग, अभी तक नहीं लौटे हैं। ए, ये के हल्ला गुल्ला मचा रखा है रे?
हम भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे कोई सूचना मिलेगी बता देंगे। अभी आप लोग घर को जाओ, यहाँ मेला मत लगाओ। हम भी आए हैं राठी जी, और मेला लगाने नहीं आए हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने आए हैं और उसका हिसाब मांगने आए हैं। सर जी, मैंने आपको देखा नहीं, लस्सी वस्सी मंगाओ क्या? आपको यहाँ लस्सी पिलवाने के लिए नहीं भेजा गया है, कुछ जिम्मेदारियां देकर भेजा गया है। 3 लोग पहले से ही गायब है, कल एक और गायब हो गया, कर क्या रहे हैं? सर जी, चिंता की कोई बात ना है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो जरा मैं चाल जरूर चलती हूँ कछुए की, मगर दिमाग दिमाग मेरा लोमड़ी जैसा चले है जी। बस, इस तरह की बकवास मैं बहुत सुन चुका हूँ, ढूंढिए आप। देखो सर जी, हम पर चिल्लाने से अगर आपको आपका छोरा मिल जाए तो वेलकम है सर जी, मगर थोड़ा ठन रखो, पुलिस अपनी ड्यूटी समझती है। और सुनिए, वो मेरा आदमी है। शर्मा जी। हाय मैडम जी। अंकल जी के बच्चे बच्चे के भाग रहे हो, प्रमोशन चाहिए। सॉरी मैडम। अरे वो छछुंदर का कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड है कि नहीं? छछुंदर कौन मैडम? अरे दिलावर पिलावर के नाम है साले का। अरे मैडम, वो तो नामी बदमाश है, पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से कोई उस पर हाथ ही नहीं डालता है, कोल स्कैम, बालू की स्मगलिंग और न जाने कितने तरह के धंधे करता है वो। अरे वो आईसीयू कांड और हनीमून कांड की फाइल सुलाना चाचा। जी जी मैडम। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो दिल्ली ना है जितना झारखंड रखा है। हेलो जी। हेलो जी। क्राइम ब्रांच, फोटो दिखाइए। ये देखा है ना यहाँ पे? हाँ यही आता है मैम। यही आता है? कब आया था लास्ट? यही कुछ 3-4 दिन पहले। अकेले आता है या किसी और के साथ भी आया कभी? एक लड़की है, इनके साथ में आती है, रेगुलर कस्टमर है हमारे। रेगुलर कस्टमर है जी। यहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा क्या चलता है? हाँ जी मैम। जाके डीवीआर लेकर आइए। ले जा रहे हैं हम जी। थैंक यू। किडनैप किया था ना? हाँ हाँ। इसके कहने पर नहीं। इसके कहने पे हाँ हाँ। चल। कोई सुराग मिला? सर अब तक तो कोई सटीक सुराग ना मिल सका, मगर दिलावर के गायब होने से एक बात जरूर सामने आई है सर, कि जितने भी लोग गायब हुए उन सब पे कोई ना कोई केस चल रहा था सर। अच्छा? सर मुझे लगता है कि इन सब के गायब होने के पीछे किसी एक इंसान का काम है, जिन्हें लगता है कि ये सब के सब गुनहगार हैं। ओह आई सी। सर और एक और खास बात, इन सबको जस्टिस त्यागी के कोर्ट से ही छूट मिली थी सर। क्या? जी सर। अरे रुको 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 रुको, बस बस
जय हिंद सर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप भी यहाँ जॉगिंग पे हैं जीप में? अरे ना ना सर जी, वो सर जी आपको तो पता चला होगा ही, वो छछुंदर दिलावर, वो भी लापता है जी। बस इसी सिलसिले में कुछ पूछना था आपसे। मुझसे? जी सर, दरअसल बात यह है कि जितने भी लोग लापता हुए हैं सर, उन सबको आप ही ने जमानत दी थी, तो सर जी मैंने। मैडम, अदालत भावनाओं और जज्बातों के आधार पे नहीं बल्कि गवाहों और सबूतों के आधार पे फैसला सुनाती है। अगर आपको मुझसे शिकायत हो, आप तो जरा किसी। अरे नाना सर जी, कोई शक या शिकायत ना है, मन ने तो बस आपकी सुरक्षा की चिंता है सर जी, प्रोटेक्शन की अनुमति दे देते सर जी तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। As you wish, अब आपने फैसला सुना दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सर जी, मैं तो फैन हो गई जी आपकी। एक सेकंड सर जी। हेलो। हाँ चचा। हाँ जैन मैम। शर्मा जी, चचा हाँ, आज से तुम जज साहब के साथ चिपके रहना। जी मैम। क्यों, कुछ हुआ क्या? सर जी को प्रोटेक्शन दी है तो अब 24 घंटे सिक्योरिटी टाइट रखना। हाँ। अब जाओ ड्यूटी पर लग जाओ। यस मैम। चलते हैं सर जी। जी ठीक है सर जी। मम्मीया ठीक से समझ लीजिए, बार बार नहीं ना बताएंगे, 20 काम और है हमारे पास। गलती हो गई। कितना महीना हो गया काम करते हुए? 3 महीना। तो 3 महीना में इसको साफ करना नहीं सीख पा रहे तो क्या कर पाएंगे जिंदगी में? हां ठीक से समझ के काम कीजिए, हम आते हैं, कोई आया है लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा अच्छे से साफ कीजिए। ठीक है। सलाम साहब। और साहब कैसे याद आ गई? हाँ गाड़ी को देखो। कोई दिक्कत हो गई साहब? हाँ वो चलते वक्त थोड़े झटके खा रही है, देखना जरा। ठीक है साहब, बॉक्स लेके आता हूँ। ठीक हो गया? हाँ भैया हो रहा है। अच्छा हम जा रहे हैं, आते हैं अभी। ठीक है, एकदम बढ़िया से इसको ठीक कीजिए, समझे? ठीक है भैया, टेंशन मत लीजिए। समझ के, गलती नहीं चाहिए कोई। एकदम नहीं। साहब चलें? अब वो साहब गाड़ियों का काम करते करते ऐसी हालत हो जाती है तो थोड़ा गंदा हो गया। कोई बात नहीं, बैठो। मैं बैठता हूँ साहब। सर यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? ये ठीक नहीं है रास्ता सर। बताता हूँ, इधर देखो। चाचा जी मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? हाँ आपको सर जी की ड्यूटी में होना था ना? यस मैम, मैं सर को घर छोड़ के ही आया हूँ। अब जल्दी से ये खत्म करिए और सर जी के पास जाइए प्लीज। जी मैम। गुड नाइट मैम। चलो देखो पकड़े।
राम राम जी। हेलो राठी जी। हेलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। सर जी कहीं नजर नहीं आ रहे? पापा जी वो तो रेस्टोरेंट की तरफ गए। रेस्टोरेंट गए जी? कोई ना, वहीं जाके मिल लूंगी। आप आइए ना। नहीं नहीं, चलती है चलती है। हैप्पी दिवाली। चलती है जी। राम राम राहुल जी। राम राम राठी जी, कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा सर जी के हालचाल ले लूं। अच्छा। कहाँ है? बट पापा तो यहाँ नहीं है, आई थिंक घर पर होंगे। अच्छा, क्या बात है मैम, एनी प्रॉब्लम? अरे नाना, वो दिवाली आ रही है ना तो सोचा सर जी को विश कर दूं। लीजिए, पापा आ गए। आ गए सर जी। अरे राठी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सर जी, मैंने रिक्वेस्ट करी थी ना आपसे अकेले कहीं ना जाने को, आप मानते ही नहीं है, कैसे सुरक्षा देगा प्रशासन? अरे सब ठीक हो जाएगा, आइए कॉफी पीते हैं। अरे आइए आइए आइए। चलिए सर। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बुड्ढे? हैं? अकल हो गया है क्या? तू जानता नहीं है मुझे, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, समझा ना? छोड़ मुझे, छोड़। 12 जुलाई 2017, तुरंडा सब्जी मंडी। हा? क्या कुछ याद है? अफजल कौन है? तुमने कुछ देखा था क्या वहां पे? नहीं, अफजल। अफजल। पता अफजल कहां मिलेगा? पता? देखो ये रहा अफजल, अब्दुल ध्यान से देखो, यही है अफजल। जस साहब ये झूठ बोल रहा है, देख अब्दुल तू अपनी जबान से बोल रहा है। प्लीज। लेकिन मैम। प्लीज, आप मेरे पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते, ही स्टिल नॉट आउट ऑफ द डेंजर। प्लीज, जब वो मना कर रहा है कि वो नहीं है तो उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं? प्लीज आप जाइए।
तुम ठीक हो? तेरे ना दिन पूरे हो गए हैं बुड्ढे, समझा ना? काट डालूंगा काट। तू अपने शरीर पे ये छोटे छोटे बॉम्ब देख रहा है? एक एक बॉम्ब तुझे उस बड़े धमाके के दर्द की याद दिलाएगा। मैं जानता हूं तेरा इंसानियत से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं तुझ पर दया दिखा रहा हूं। एक साथ नहीं, एक एक करके तेरे शरीर के चीथड़े उड़ेंगे। इसलिए जितनी जल्दी कबूल कर सकता है कबूल कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्द तू बोलने लायक भी नहीं बचेगा। कबूल करोगे? ओके। ये रहे मैडम। अच्छा अच्छा, जरा वो बंटी पबली और रंगबाज की भी बैंक स्टेटमेंट्स निकलवा दो। जी मैडम। अरे वो डॉक्टर जोड़ी और पंकज सिंह, उनके बारे में पता कर दो। और ये चार नंबर है, इनकी भी कॉल डिटेल निकलवा दो। जी। देखिए, जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, मामला थोड़ा गंभीर है, प्लीज थोड़ा सहयोग कीजिए। जी। अरे चाचा, चाचा उठ जाओ, चाचा चाचा, अरे उठ भी जाओ, ये लंबे हो गए। चलो निकलना है तुरंत। अफजल, अफजल, अफजल है? भाईजान तो नहीं है, वो तो कल रात को ही कहीं निकल गए थे, शायद किसी की गाड़ी चेक करने। चाचा जरा सर जी को फोन लगा के दो। ये मैम। हेलो। हाँ सर जी, राम राम। राम राम, क्या हुआ राठी जी इतनी सुबह सुबह? अरे सर जी, वो तित्तर है ना, वो मैकेनिक, बोलिए, उसका भी काम हो गया लगता है, रात से गायब है। मगर आप घबराओ मत सर जी, मैं शर्मा जी को भेज रही हूँ आपके पास दोबारा चिपकने के लिए। शर्मा जी को? जी। राम राम सर जी। राम राम। तुम जाओ उनके पास चाचा, मगर आपकी बार न्यू ईयर मनाने में चले जाना। जी मैम।
पुलिस स्टेशन पहुंचो। अच्छा मैं आ रही हूँ। आप लोग जा सकते हैं। ठीक, आप भी जा सकते हैं। जी मैं। हाँ भाई नगर, क्या हो रहा है, कुछ पता चला उसका? चल चचा आ रहे हैं, बाद में करती हूँ। हाँ रखती हूँ अभी, आओ चचा। जय हिंद मैम। जय हिंद। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? इतनी रात मुझे आपने साहब के यहाँ से बुला लिया। कॉफी पियोगे चचा? अरे नहीं नहीं मैडम, साहब के यहाँ पी ली मैंने। थैंक यू। तो ध्यान से सुनो फिर, ये सारा रायता रावत ने फैलाए रखा है। जी? रावत ने ही अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, और वो भी सुन लो किससे, ये इस तितर से। अफजल? हाँ अफजल, अफजल ने ही बाजार में बॉम्ब गिराया था, जहाँ अपना अब्दुल भी मौजूद था जो बच गया था। लेकिन एमपी रावत ने डॉक्टरों को पैसे खिलवा के मरवा डाला बेचारे को। पैसे की आड़ में ना जाने क्या क्या कांड कर बैठे ये दोनों। और रावत का ये सारा काम कर रहा था वो छछुंदर दिलावर। हाँ दिलावर, पंकज सिंह रावत की पार्टी का फंड कर रहा था, और अब्दुल को मारने का पैसा भी डॉक्टरों के अकाउंट में पंकज सिंह के अकाउंट से गया। यो देखो स्टेटमेंट, डोनेशन चैरिटी के नाम। परवेज सिंह के पीछे मिनोरिटी वोट थे जो रावत के खिलाफ जा रहे थे, इसीलिए रावत ने पंकज सिंह का इस्तेमाल किया। शगुफ्ता शमीम का एमएमएस बनाया और परवेज को ब्लैकमेल करने के लिए उसने। मैडम कहीं आप ये तो नहीं कह रही हैं कि रावत ने खुद ही अपने लोगों को किडनैप करवाया? पहले मारा टोटल एनालिसिस तो सुन लो चाचा, बैठो। जलेबी की तरह सीधा कैरेक्टर है ये रावत। सल्ले के शरीर में जो है ना खून कम और कमीनापन ज्यादा है। वो पंकज सिंह के आए दिन नए डिमांड से तंग आ चुका था। पंकज सिंह उन दिनों कलकत्ता में था, रावत ने उसका पता लगाया और रांची आते ही किडनैप कराया। चूंकि रावत की हर बुरे काम का एक ही गवाह था, वो छछुंदर दिलावर। दिलावर कोई प्रॉब्लम ना कर दे, इसीलिए रावत ने दिलावर को भी रास्ते से कट कर दिया। तो जस्टिस त्यागी को रावत ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रावत को जस्टिस त्यागी से कोई खतरा ना था, मगर मेंटल का के भरोसा कब अटैक कर दे, इसीलिए तने सरजी की सिक्योरिटी पे डाला है मन ने। दिल्ली जाके रावत के खिलाफ वारंट निकलवाती हूँ, आप जाओ उस पे नजर रखो, कहीं वो अंडरग्राउंड हो जाए साला। कहाँ बुला लिया भाई, खंडर जैसी जगह पे। आता हूं। क्या
फंस गया ना रावत? चचा तुम तो फैंटम निकले भाई। हाँ, नजर रखते रखते उठा ही लिया इसको तन्ने तो। मन ने तो मालूम था कि इसमें कोई और भी शामिल है। शक तो उस दिन हुआ जिस दिन तुम 2 दिन की छुट्टी लेके गए और अगले ही रात क्लब के बाहर दिखाई दिए। हाँ, हाथ तुम्हारे ही मोबाइल का लोकेशन निकलवाया मन ने। जहां जहां कांड हुआ वहां वहां तुम्हारा मोबाइल लोकेशन का अटेंडेंस मिला। लेकिन असली झटका तो मन ने तब लगा जब सर जी का फोन अब चल के गैराज में लोकेट हुआ, क्योंकि उस शाम तुम्हारा मोबाइल लोकेशन पहले शहर के बाहर और फिर पटाखे की मार्केट में और सवेरे सवेरे अफजल गायब। तब जाके स्टोरी समझ में आई। मैं तो थोड़े बेवकूफ समझ रही थी चाचा, तुम तो चौक की चीज निकले। अब बाहर आ भी जाइए सर जी, अब तो पर्दा उठा दीजिए। रावत के कारनामे और उसका हाथ किडनैपिंग्स में है ये बता के तुमको तो मैंने निश्चित कर लिया था चाचा, मगर मुझे पता था ये रावत किडनैप होगा ही होगा। तुम्हारी कॉल डिटेल्स में ना सर जी का नंबर उछल उछल के आ रहा था, तो सर जी का भी फोन ट्रेस करवा लिया मैंने। थोड़ा जोर डाला तो याद आया कि सर जी आपको पहले का देखा था कोलकाता के क्लब में। डांस याद आया कि नहीं? और उसी दिन सर जी का रिजर्वेशन भी उसी डब्बे में थी जिसमें पंकज सिंह था। पंकज सिंह के किडनैपिंग के दिन थारो और सरजी का मोबाइल लोकेशंस टनल के पास मिला था और पता लगाने पे ये मालूम हुआ कि टनल में उस रात को चेन पुलिंग हुई थी। बाकी की जान पीना आसान थी, निपट गई। चचा, तुम पर तो मुझे तब शक हुआ था जब शादी की वीडियो देखी। डॉक्टर कपल तो गायब थे ही, लेकिन तुम भी नजर ना आ रहे थे। बस वहीं से खेलना शुरू किया, तार से तार जुड़ गए। क्रैक कर ही लिया था जी मन ने। बस दिमाग में खुजली मच रही थी कि दबोचा कैसा जाए। मन ने मालूम था कि ये रावत नपेगा ही नपेगा, इसीलिए चचा को लगा दिया नेता जी पर और मारी नजर थी आप पर। मैडम, मैंने हमेशा कानून के दायरे में रहकर फैसला लिया है और कोशिश की थी कि कभी गलत फैसला ना लूं, लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आई मुझसे कुछ गलत फैसले हो गए। हालांकि वो फैसले कानून के दायरे में रखने के कारण हुए थे और फिर सारी दुनिया के सामने एक दुखी आत्मा ने मुझे थप्पड़ मारा।
उस एक थप्पड़ ने मेरी रातों की नींद को उड़ा दिया, मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। फिर मैंने अपने तरीके से तहकीकात की तो मुझे पता चला कि इस पूरे मामले में रावत खुद लिप्त था। मान लो कि उसे सजा हो जाती और वो जेल चला जाता, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर जेल से बाहर आ जाता। इसीलिए मैंने उसको फोन किया, उसको यहां बुलाया। और तो सर जी, डेड बॉडी कहां पर है? मैंने किसी को नहीं मारा है। इन लोगों का जुर्म कबूल करवाने के लिए मेरे किस्म का टॉर्चर जरूर किया है। मैंने अपने जुर्म कबूल कर लिए, मैं घर जा रहा हूं। अपनी गिरफ्तारी का इंतजार मैं जरूर करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हो सके तो शर्मा को माफ कर देना। ऐसे ऑफिसर की वजह से ही इन अपराधियों के मन में कानून का खौफ बना रहता है। आज सुबह से ही शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सुबह जंगल के पास मिली लाशें एमपी रावत, डॉक्टर अजय, डॉक्टर रीना, दिलावर, मैकेनिक अफजल और होटेलियर पंकज सिंह की हैं। देखिए, आज सवेरे मैंने लाशों के बारे में पता चला है। ये लोग वही हैं जो लापता हुए थे। इनके साथ एक कंप्यूटर और एक पेन ड्राइव और एक कैमरा भी मिला है। आपको क्या लगता है मैडम, इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, अभी छानबीन जा रही है, जैसे कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे। राम राम जी की। लाशों के पास से बरामद वीडियो टेप्स में सभी के अपराधों का कबूलनामा मिला है। ये सभी जघन्य अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन अपनी पहुंच और कानूनी दाव पेश की वजह से बचते रहे थे। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने समाज के इन दुश्मनों को सजा दी है। फिलहाल एमपी रावत के कबूलनामे ने देश की राजनीति में हलचल पैदा की। गला घोट के झूठ ने साजिश रच दी है।
गुनहगार जिंदा है, अब जुर्म ने भी हद कर दी है। जब कोई नहीं महफूज हो, इंसाफ से महरूम हो, तब दिल को कहीं ना कहीं लगता है। है नजरे उसकी पश्चाताप तू भोगेगा, फंदे में जब आ जाएगा कबूलनामा तू सौंपेगा। तेरी मीठी मीठी बोली अब तेरे कोई काम ना आएगी, वहां से तो तू बच गया, यहां तेरी बच जाए। यहां ये अंगार है, सच की ललकार है, तेरी खोटी सोच पे सच का प्रहार है, असल ये वार है। चल 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 भसम, किसी और का मसला वो निजी तौर पे लेगा, किसी और का बदला वो इसी दौर में लेगा, इसी दौर में लेगा, याद रख। मंजर है हर हाथ में खंजर है, ओ नजरे सभी का दिल है, अपराध का समंदर है। जो हाथ पड़ेगी तुझे लात में बैठा, तुम्हें जो है वो है वही तुझे काटना पड़ेगा, सारे धोखा तुम्हें वही।